रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार के दरभंगा पहुंचे केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने लहरिया सराय के गोविंदपुर में एक पूजा पंडाल में मां दुर्गा की आरती में शिरकत की, साथ ही वहां फलाहार भी किया और बिहार में खुशहाली और समृद्धि की मां से आराधना भी की। यहां तक तो ठीक था, पर वो इससे हटकर राजनीति की बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी बिहार की राजनीति की, जिससे बीजेपी जेडीयू के रिश्तों की परत साफ साफ नजर आती दिखाई दे रही हो। पहले तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश अदृश्य शक्ति से चलता है, वो अदृश्य शक्ति देवी दुर्गा, कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की है और इस शक्ति का महत्व समाज में भी स्वीकारा गया है। पर अगली बात बिहार सरकार से संबंधित थी, जो कई इशारे करता दिखाई दे रहा है। बिहार सरकार के जरिए पटना में रामलीला बंद करने पर गिरिराज सिंह ने फैसले को अनुचित बताते हुए कहा कि यह फैसला सरकार ने कैसे ले लिया, उनकी समझ से परे है। गिरिराज सिंह ने बिहार में सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू धर्म को खत्म करने की ये कोशिश है, जबकि रामलीला होने से राम के चरित्र का वर्णन होता है और राम के चरित्र से समाज के हर धर्म को सीख मिलती है और समाज के सभी लोगों को इसे अपनाना चाहिए। पटना में बरसात के पानी से लोगों की तकलीफ पर गिरिराज सिंह ने इसकी विफलता की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए पटना के आम लोगों से माफी मांगी। उन्होंने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि दोषी अधिकारी को चिन्हित कर उन्हें सार्वजनिक करें। गिरिराज सिंह इतने पर नहीं रुके, बल्कि नीतीश सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कोई गलतफहमी में न रहे, बिहार में एक पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि बिहार में NDA की सरकार है। हम भी एक पार्टी है, गलत होगा तो हम बोलेंगे ही। बिहार में अलग चुनाव लड़ने के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि यह फैसला पार्टी के हाथ में है, फिलहाल बिहार में NDA की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और BJP के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, इससे ज्यादा वे नहीं जानते। ऐसे में भला अब क्या कहा जाए? गिरिराज सिंह का दरभंगा पहुँचना और माँ दुर्गा की आरती में शामिल होना, पर इस मौके पर भी राजनीति की ऐसी बातें करना जो बिहार में NDA की मौजूदा तस्वीर को साफ तौर पर पेश करती हो, भविष्य के बारे में बहुत कुछ बयां कर देना, क्योंकि 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव जो होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।